उत्तराखंड में आई भीषण आपदा पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने आपदा प्रबंधन में प्रदेश सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि 17 और 18 अक्टूबर को आई आपदा ने सरकार के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। राज्य में कई लोगों की भारी बारिश से मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार की मदद अभी तक कई लोगों तक नहीं पहुंच पाई। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सरकार की अनदेखी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवाने के साथ घर बार खेत खलियान सब गंवाने पड़े। लोगों तक राहत पहुँचाने की जगह पर प्रदेश सरकार सिर्फ हवाई यात्रा में मस्त है। उन्होंने कहा कि सरकार इस आपदा को लेकर असंवेदनशील रही। नैनीताल की नैनी झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही से सरोवर नगरी नैनीताल को बीते दिनों काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जनता ने इस आपदा से बीजेपी का असली चेहरा पहचान लिया। यह सरकार जनविरोधी सरकार है, जो आपदा के समय भी अवसर तलाश कर रही है। धामी सरकार इस आपदा में पूरी तरह फेल साबित हुई है। धामी जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने में नाकाम साबित हुए हैं। देखिए, 3 दिन एडवांस में रेड अलर्ट जारी होने के बाद भी सरकारी तंत्र की जगह जगह चूक हुई है। उसमें नैनीताल का एक उदाहरण है, जहां पर नैनी झील का जो निकासी सिस्टम था, जिस पर स्काडा सिस्टम लगा हुआ था, गेट ऑटोमेटिक खोलते थे, जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम से लैस था, जिसमें आपदा आने पर या जल स्तर बढ़ने पर वो गेट अपने आप खुलने चाहिए थे, वो नहीं खुले। जब उसकी जांच हुई तो पाया गया कि ये मैनुअल मोड में थे, जबकि वो ऑटोमेशन मोड में काम करेगा, ऑटोमेटिक मोड में डालना चाहिए था। इतनी बड़ी त्रासदी आने वाली है, जब सरकार को पहले से पता चल गया तो उसके बाद भी इन गेटों का मैनुअल मोड पर डाले रहना इस पूरे प्रदेश की लापरवाही को दर्शाता है कि किस प्रकार से, किस जवाबदेही के साथ हमारे सरकार, हमारे प्रशासन शासन काम कर रहा है। उसका जीता जागता नमूना नैनीताल का उदाहरण है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि नैनीताल में इससे भारी तबाही हुई है तो प्रत्येक हताहत व्यक्ति को 10 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिए जाए, और पूरे प्रदेश में जो आपदा आई है इस वक्त, इस आपदा से प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए सरकार को कम से कम 10,000 करोड़ का पैकेज तुरंत जारी करना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी मांग कर रही है।